बड़ी खबर, जहां 71 दिनों बाद एक्टिव केस सबसे कम। बता दें कि देश में 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, वहीं 2,330 लोगों की जान गई है। 1,03,570 लोग बीते 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए हैं, वहीं अब कुल कोरोना केस 2 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कोरोना से जुड़ी बता रहे हैं, जहां बीते 24 घंटों में 71 दिनों बाद एक्टिव केस सबसे कम दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि देश में 67,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, वहीं बीते 24 घंटों में 2,330 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं 1,03,570 लोग इस बीमारी से जंग जीत कर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कोरोना से जुड़ी बता रहे हैं, जहां 71 दिनों बाद एक्टिव केस सबसे कम दर्ज किए गए हैं। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक मणि जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि देश में इस वक्त कोरोना के क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे, इस समय अगर कोरोना की बात करें तो भारत में 67,208 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,97,313 हुई है। वहीं अब तक 2,330 नई मौतों के बाद कुल संख्या 3,81,903 हुई है। साथ ही 1,03,570 नए डिस्चार्ज हुए हैं मरीज, जिसको लेकर देखा जाए 24 घंटे में करीब कोरोना वायरस से 34,63,961 वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 26,55,19,221 हो गया है। काफी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही सरकार तमाम स्कीमें चला रही है, वैक्सीनेशन को लेकर चल रही है। और अगर प्रदेश की बात करें तो रिकवरी रेट आपका 98.3 हो चुका है। पिछले 24 घंटों में 2,86,396 सैंपल्स लिए गए हैं और लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 1,99,53,000 के करीब जो है आपका वैक्सीनेशन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि कोरोना को लेकर सरकार काफी हद तक जो है प्रयास की है, जिसका एक अच्छा परिणाम सामने आया। जी, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि लगातार कोरोना के केस कम होते दिखाई दे रहे हैं, दूसरी लहर अब धीमी पड़ती दिखाई दे रही है, वहीं लगातार एक्टिव केस में जो है मामले जो है वो कम दर्ज हो रहे हैं, पर इसी बीच देखा जा रहा है कि मौत के आंकड़े हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, उनमें गिरावट नहीं दर्ज की जा रही है, इसके कारण क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मरीज हैं जो तमाम बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उनमें कोरोना का एक अलग प्रभाव पड़ता है जो मौतों का कारण ज्यादा बन रहा है। ऐसे मरीज बहुत हैं जो अगर कोरोना की बात ना करें तो अदर भी ब्लड प्रेशर से लेकर तमाम ऐसे उसके मरीज हैं जो कि इसके शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा जो बढ़ रहा है, इसको कोरोना से जोड़ना उतना उचित नहीं रहेगा, लेकिन ये कहा जाएगा कि पिछले 24 घंटों की बात करें तो केस जो है वो 5,000 नीचे आ गए हैं प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं ग्राफ गिर रहा है। जी जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना से जुड़ी इस वक्त आपको राहत देने वाली खबर बता रहे हैं, जहां पर अब लगातार संक्रमण की दर जो है वो कम होते जा रही है। आपको बता दें कि जो मामले सामने आ रहे हैं वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं। वहीं इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दरोगा भर्ती में रिकॉर्ड आवेदन दर्ज किए गए। आपको बता दें 15,00,000 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन जमा हुए हैं, वहीं 9,534 पदों के लिए अब तक 15,00,000 आवेदन आ चुके हैं। बता दें कि कई पदों के लिए 2020-21 की सीधी भर्तियां निकाली गई थी, जिसके बाद अब रिकॉर्ड आवेदन दर्ज किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां दरोगा भर्ती के लिए रिकॉर्ड आवेदन दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि 15,00,000 अभ्यर्थी अभी तक ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। आपको बता दें 9,534 पद खाली थे, जिन पर 2020-21 की सीधी भर्ती निकाली गई थी, जिसके बाद अब तक 15,00,000 से ज्यादा लोग इसमें आवेदन दर्ज करा चुके हैं। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वहीं इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां घर में चल रहे जुए के रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि 12 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है।
गाजीपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जुए को लेकर पुलिस इस वक्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जहां पुलिस ने घर में चल रहे जुए के रैकेट का पर्दाफाश किया है, जहां से उन्होंने 12 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस की ये कार्यवाही देखने को मिली। तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने जुए के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कार्यवाही की है, जिसमें 12 लोगों को मौके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इन 12 लोगों के पास से भारी मात्रा में सामान भी जब्त किया गया है, जिसमें नकद भी शामिल है। तो गाजीपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। वहीं इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, तो लखनऊ से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सभी सीएमओ एसीएमओ को अब ओपीडी में मरीज देखा करेंगे। आपको बता दें कि हफ्ते में 3 दिन प्रशासनिक अधिकारी ओपीडी में मरीज देखेंगे। 2-2 घंटे की सेवा ओपीडी में अब देना अनिवार्य हो चुका है। प्रशासनिक अफसर हफ्ते में 1 दिन सर्जरी भी किया करेंगे। एक रजिस्टर बनाकर इन सभी चीजों की जानकारी भी देना अनिवार्य होगा। वहीं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने ये आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर अब सीएमओ और एसीएमओ ओपीडी में मरीज देखेंगे। तो बड़ी खबर, जहां अब हफ्ते में 3 दिन प्रशासनिक अधिकारी ओपीडी में मरीजों को देखेंगे, वहीं 2-2 घंटे की सेवा ओपीडी में देना अब सीएमओ और एसीएमओ के लिए अनिवार्य हो चुका है। वहीं हफ्ते में एक दिन सर्जरी भी किया करेंगे। इसी के साथ एक रजिस्टर बनाकर इन सभी चीजों की जानकारी देना भी अनिवार्य हो चुका है। ये सारी जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने दी है। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। जहां SC ST आयोग के में 2 अध्यक्ष 13 उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आगरा के डॉक्टर रामबाबू हरित को बनाया गया है अध्यक्ष। वहीं शाहजहांपुर के मिथिलेश कुमार उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। सोनभद्र के राम नरेश पासवान उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको सोनभद्र से बता रहे, जहां SC ST आयोग में 2 अध्यक्ष और 13 उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि आगरा के डॉक्टर राम बाबू को अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं शाहजहांपुर के मिथिलेश कुमार को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। साथ ही सोनभद्र के राम नरेश पासवान को भी उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सोनभद्र से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां SC ST आयोग में 2 अध्यक्ष 13 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिसमें आगरा के डॉक्टर राम बाबू अध्यक्ष बनाए गए हैं, साथ ही शाहजहांपुर के मिथिलेश और सोनभद्र के राम नरेश पासवान इस वक्त उपाध्यक्ष मनोनीत हैं। वहीं इसी बीच सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जिले के 3 प्रभारी निरीक्षकों का तबादला हुआ है। आपको बता दें रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी का तबादला किया गया है। शैलेश कुमार राय को मिली है रॉबर्ट्सगंज कोतवाली की कमान। तो सोनभद्र से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जिले के 3 प्रभारी निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। जहां रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी अविनाश सिन्हा का तबादला किया गया है, जिसके बाद शैलेश कुमार राय को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली की कमान सौंपी गई है। तो सोनभद्र से इस वक्त आपको तबादले से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जिले के 3 प्रभारी निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं, जिसमें रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी अविनाश सिन्हा का तबादला किया गया है, जिसके बाद अब रॉबर्ट्सगंज कोतवाली की कमान शैलेश कुमार राय संभालने जा रहे हैं। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबरों की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद के वीडियो पर बवाल बढ़ा, अब सौरा भास्कर और ट्विटर इंडिया हेड के खिलाफ शिकायत दर्ज। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में कोरोना के 353 नए मामले आए सामने, 6 मरीजों की हुई मौत। ISC के 20 जुलाई तक घोषित हो सकते हैं 12वीं के नतीजे, 11वीं 12वीं के इंटरनल मार्क्स से बन सकती है मार्कशीट। देश में बीते 24 घंटों में 67,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 71 दिनों बाद एक्टिव केस सबसे कम हुए दर्ज।
महाराष्ट्र में वार पलटवार का दौर जारी, कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर शिवसेना का निशाना, याद दिलाया बीजेपी का हाल। तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों का, जहां भारत में कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। बता दें कि दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी है और रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 67,208 नए मामले सामने आए। वहीं 1,03,570 मरीज इस दौरान संक्रमण से उभरे और 2,330 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,97,03,13 मामले सामने आए हैं। कुल मौतों की संख्या 3,81,903 हो गई है। वहीं 2,84,91,670 मरीज अब तक संक्रमण से उभर चुके हैं। वहीं पॉजिटिव केस की अगर बात की जाए तो कुल संख्या 8,26,740 है। मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस 71 दिनों बाद सबसे कम रिकॉर्ड किए गए हैं। लखनऊ आ रही नौचंदी एक्सप्रेस के इंजन के दो पहिए केकेसी पुल पर पटरी से उतर गए। आनन फानन में रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा और इंजन को पटरी पर वापस किया गया। इससे ट्रेन करीब 2.5 घंटे देरी से रवाना हुई। बता दें कि डिरेलमेंट की सूचना मिलते ही चारबाग रेलवे स्टेशन प्रशासन अलर्ट हो गया और स्टेशन डायरेक्टर सुदीप सिंह के नेतृत्व में रेलवे की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद इंजन को वापस पटरी पर लाने का काम किया गया। ADRM अश्विनी श्रीवास्तव के मुताबिक गाड़ी संख्या 4511 नौचंदी एक्सप्रेस प्रयागराज से आ रही थी। चारबाग के प्लेटफॉर्म पर रुकने से पहले इंजन के दो पहिए पटरी से उतर गए, उन्हें वापस पटरी पर चढ़ा दिया गया है। गाड़ी में जितने भी यात्री थे सभी सुरक्षित हैं और किसी को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है। ये गाड़ी संख्या 4511 नौचंदी एक्सप्रेस जो प्रयाग से आ रही थी, यहाँ प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले इसके इंजन का दो व्हील पटरी से उतर गया था, जिसे वापस रीरेल कर लिया गया है। सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और यात्रियों को हमने कुछ समय लगा जिसमें रीरेल करने में, उस दौरान यात्रियों को पानी और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और अब शाहजहांपुर के कोतवाली इलाके में स्थित एक मिल में काम करने के दौरान बासी खाना खाने से 11 मजदूरों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अजीजगंज स्थित एक मिल में 11 मजदूर बासी खाना खाने से बीमार हो गए। जानकारी मिली कि मजदूरों की हालत बिगड़ने पर अन्य मजदूरों ने मिल मालिक को सूचना दी। इसके बाद बीमार मजदूरों को पड़ोस के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी दो मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से सभी की तबीयत बिगड़ी है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की छानबीन कर रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। दुर्गा मिल वाले के यहाँ पे कुछ मजदूर खाना खाए थे जो बीमार पड़ गए थे, इसी जानकारी आई है। उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया था, जिसमें से आधे रिलीव हो गए हैं और 4-5 लोग अभी भी एडमिट हैं। उनके संदर्भ में इलाज चल रहा है, इस मामले में जांच कराई जा रही है, जानकारी की जा रही। काफी लंबे समय तक शराब से हुई मौतों का दंश झेल रहे अलीगढ़ के लिए राहत भरी खबर देखने को मिली है। अलीगढ़ पुलिस के द्वारा अब एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है जहां शराब को भारी मात्रा में तैयार किया जा रहा था। बजघेड़ा क्षेत्र में अवैध शराब की बोतलें बनाने वाली 2 मंजिला फैक्ट्री बरामद कर शराब सामग्री को पुलिस ने सीज कर दिया है। वहीं शराब कांड में अब तक 22 मुकदमों के साथ 66 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और शराब कांड के मुख्य आरोपियों की ही निशानदेही पर पुलिस ने फैक्ट्री पर ये छापेमारी की है। शराब प्रकरण में जनपद अलीगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें जो इनामी अपराधी मदन गोपाल उर्फ मदन कालिया, जिसको कुछ ही दिन पहले गिरफ्तार किया गया था, उसको 3 दिवस की रिमांड पर लिया गया था। उसकी निशानदेही पर आज हरियाणा में पालम विहार स्थित, जो गुड़गांव में पड़ता है, न्यू पालम विहार कॉलोनी में उसकी निशानदेही पर एक 2 मंजिला फैक्ट्री पुलिस द्वारा बरामद की गई है। यह बता दें कि मदन कालिया के पूर्व में जो गिरफ्तार इसके जो माफिया लोग थे, विशेष तौर से जो इनामिया अपराधी थे, अनिल चौधरी, ऋषि एवं मुनीश शर्मा, विपिन यादव एवं शिव कुमार, इन सब से इसके संबंध थे। इनके ये संपर्क में लगातार रहा है और जो विवेचना से अब तक प्रकाश में आया है कि जो जहरीली शराब बनाने का या अवैध शराब बनाने का या उपमिश्रित शराब बनाने का जो मटेरियल होता है और उसकी पैकेजिंग मटेरियल है, उसको ये वहाँ से इसी फैक्ट्री।
मिर्जापुर के बहरियाबाद थाना पुलिस ने अधेड़ की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता में अधिकारी ने हत्या के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने हत्या आरोपी पिता पुत्र को मीडिया के समक्ष पेश किया। एसपी ने बताया कि अधेड़ की हत्या उसी के रिश्तेदारों ने की है और पैसों की वजह से ही हत्या की गई है। एसपी ने बताया कि आरोपियों का संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में बहरियाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार, हेड कांस्टेबल राणा प्रताप शामिल हैं। पिछले 3 दिन से तेज बारिश ने नेपाल से जुड़े पूर्वांचल के जिले में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। नेपाल से आए बाढ़ के सैलाब ने भारतीय सीमा में कहर मचाना शुरू कर दिया है। बड़ी गंडक समेत 3 नदियां खतरे के लाल निशान के पार चली गई हैं। पहाड़ी नाला महाव का भी तटबंध 4 जगहों पर टूट गया है। इससे आसपास गांवों में पानी घुस गया है। डीएम डॉक्टर उज्जवल कुमार ने नौतनवा क्षेत्र में महाव नाले से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए वो मौके पर पहुंच गए। अफसरों को बाढ़ बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारा तो नाम प्रसाद यादव, पूर्व ग्राम प्रधान खैरावती जी। ये महाव नदी जो है टूट गया है 2 जगह और करीब 3 बजे दिन में टूटा है, पानी बहुत बहुत ज्यादा। राजगंज से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां नेपाल से आई बाढ़ इस वक्त महाराजगंज में तबाही मचा रही है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभिषेक, महाराजगंज में इस वक्त बाढ़ की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? पिछले 3 दिनों से घनघोर बारिश ने नेपाल से जुड़े पूर्वांचल के जिलों में पूरी तरह से तबाही मचा दी है और बाढ़ से यहाँ सैलाब इतनी काफी है कि यहाँ के भारतीय सीमा से कहर मचाना शुरू कर दिए। बड़ी गंडक समेत 3 नदियां खतरे के लाल निशान के पार कर गई हैं। वहीं पहाड़ी नाला महाव के तटबंध 4 जगह टूट गया है, जिससे कि आसपास गांव पानी घुस गया है। और डीएम जब निरीक्षण करने डॉक्टर उज्जवल कुमार पहुंचे तो अफसरों का बाढ़ बचाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और जहां तक पूरी तरह से महाराज जिले की बात की जाए तो लगातार 24 घंटे से बारिश ने 20 एवं बारिश रिकॉर्ड दर्ज भी की गई है। वहीं मंगलवार को भी जिस तरह से 75 एवं बारिश रिकॉर्ड की गई, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह प्रशासन इस बाढ़ को कंट्रोल करने सख्त कदम उठा रही है। वही दूसरी तरफ बात करें तो डॉक्टर उज्जवल कुमार ने जब बाढ़ ग्रस्त एरिया का जायजा लिए तो वहां पर जो अधिकारी थे वह पूरी तरह सतर्क नजर आए और लोगों को कैसे बाढ़ में राहत सामग्री उपलब्ध कराया जाए इसको लेकर दिशा निर्देश दिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से महाराज जिले बाढ़ का कहर पूरी तरह से जारी है तो इससे आम जनजीवन काफी प्रभावित हो सकता है। जी तो अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो महाराजगंज से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां इस वक्त बाढ़ अपना कहर मचा रही है। आपको बता दें कि डीएम उज्जवल कुमार ने इलाकों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करते हुए राहत बचाव कार्य के भी निर्देश जारी किए। तो बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ जहां सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रही निर्दलीय प्रत्याशी अर्चना सिंह के वायरल 2 वीडियो ने सियासी खेमे में हलचल तेज कर दी है। इन दोनों वीडियो में अर्चना सिंह फायरिंग करती नजर आ रही है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस वीडियो को लेकर प्रत्याशी अर्चना सिंह ने अपनी सफाई भी पेश की है। उनका कहना है कि ये वीडियो काफी पुराना है और उन्हें उनके खिलाफ ये साजिश की गई है। फिलहाल वीडियो वायरल होने पर पुलिस की कार्यवाही जारी है। 14 तारीख को एक वीडियो जो आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से ही वायरल हुआ था और उसमें बताया गया था कि एक महिला हर्ष फायरिंग करते हुए दिख रही है विभिन्न अस्त्रों से, उसका संज्ञान लेते हुए एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्या मामला बहुत पुराना है? जौनपुर के मुंगराबाद शाहपुर थाने में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन मारपीट छुड़वाने पहुंची पुलिस खुद आरोपी बनकर खड़ी हो गई। पुलिस द्वारा 2 लोगों का पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। वहीं मौके पर एडिशनल SP त्रिभुवन सिंह पहुंचकर उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मारपीट करने वाले दोनों सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसी प्रकरण में भी आया हूं और प्रथम दृष्टया इसमें दोनों सिपाही दोषी पाए गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन रवाना कर दिया गया है और इसकी जांच CO मछली शहर साहब को दी गई है। जैसे जांच रिपोर्ट
मैनपुरी में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर एक दुकान से टकरा गई। इस घटना में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत अभी भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उस घायल की भी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों को भी पुलिस ने घटना की जानकारी दे दी है। देर शाम को इस चीज सूचना मिली थी, बगांव क्षेत्र में एक्सीडेंट में तीन लोगों की डेथ हुई है, तो उसमें पीएम के लिए जो है डेड बॉडी यहाँ पर मुख्यालय पर आ चुकी है। उसमें तो रोड कंस्ट्रक्शन का काम जो हाईवे का चल रहा है, उसी में वो कहीं पर दारू पिए हुए थे, ऐसी सूचना मिली है। और फिर जो जहाँ पर स्टॉपर था उस स्टॉपर पर ध्यान ना दे करके और फिर उससे टकराए, फिर डिवाइडर से जो है एक्चुअल में वहाँ पर सर्विस रोड लेन अलग से बनी हुई थी बगल से, उधर से ना जा करके जिधर रोक लगाई गई थी उधर से। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।